और भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये आज पूरा का पूरा डिटेल हम करेंगे इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो हमें बेसिकली ये इच्छा होगी जानने की कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे सपोज करो ये आपके सामने ये पेन दिख रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पेन है ये पेन नॉन लिविंग है, मैं और आप क्या है लिविंग है, ये आप कैसे बता पाओगे। तो जनरली आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, आप जानते हो उसका जवाब कि ये पेन क्या है मूव नहीं कर सकता, इस पेन के अंदर कोई सेंसेशन नहीं हो रही है, पेन चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, यानी इधर से उधर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, इसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आप मुझे गिनवा सकते हो और बता सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं है और वो सारी चीजें हमारे अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लिविंग है और ये जो आपका पेन है ये क्या है नॉन लिविंग है। तो बच्चों आज बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। जनरली लाइफ प्रोसेस एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जो किसी लिविंग को लिविंग कहलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर मान लो मेरे अंदर से वो सारे प्रोसेसेस को रिमूव कर दिया जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, नॉन लिविंग हो जाऊंगा। तो लाइफ प्रोसेस की अगर मुझे डेफिनेशन बतानी हो तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग लिविंग कहलाता है। तो इसी को मैंने यहां पर डिफाइन कर रखा है, द प्रोसेस विच आर असेंशियल फॉर लिविंग। यानी ऐसे प्रोसेस जो जिंदा रहने के लिए असेंशियल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, न्यूट्रिशन। जो पहला ये डायग्राम देख रहे हो ये क्या है आपका, न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन के अंदर यहाँ पे लड़की सोच रही है, लड़की क्या सोच रही है कि हेल्दी फ्रूट खाऊं या जंक फ्रूट खाऊं। आपके मन में बहुत डाउट आता होगा कि मम्मी सैलेड बना दिए था, कहोगे सैलेड कौन खाता है, सैलेड हम इतने बड़े बच्चे सैलेड खाएंगे, हमें तो पिज्जा एंड बर्गर चाहिए, ठीक है। सो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो पहला प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन और बॉडी को नहीं मिलेगा, कहते हैं तेरा न्यूट्रिशन बहुत खराब चल रहा है इसलिए तू बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, मैं देख कितना हेल्दी फूड खाता हूँ, मेरा न्यूट्रिशन कितना हेल्दी है इसलिए मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ता। तो जो लाइफ प्रोसेस का जो सबसे असेंशियल जो पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, उसमें से एक प्रोसेस है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन अभी इसको हम डिटेल करेंगे, लेकिन पहला समझते हैं कि ये हो गया न्यूट्रिशन। अगर आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन को खत्म कर दिया जाए, मान लो कि आपको लगभग 15 दिन 20 दिन तक के लिए भूखा छोड़ दिया जाए तो आपकी जीभ बाहर आ जाएगी और आप ऊपर निकल लोगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो आपका न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के बाद जो दूसरा आपका प्रोसेस हो सकता है वो क्या है, रेस्पिरेशन है। ये क्या है आपका, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन ऑब्वियसली बात है, मान लो कि अगर आपका एक मिनट के लिए नोज और माउथ दोनों को ब्लॉक कर दिया जाए, नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो एकदम पसीने छूट जाएंगे आपको, एकदम गर्मी में एकदम सफोकेशन फील होगी और सफोकेशन के बाद आप ऊपर निकल लेंगे। तो यानी ये क्या है, ये भी एक असेंशियल प्रोसेस है, क्योंकि बेसिकली लाइफ प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि वो प्रोसेस जो किसी लिविंग को लिविंग बनाने के लिए असेंशियल होते हैं। अगर इन प्रोसेसेस को हटा देंगे तो लिविंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी से एक दूसरा प्रोसेस है आपका क्या, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है आपका, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो बॉडी के अंदर आपने कोई फूड लिया, डाइजेशन स्टमक में हो जाता है, लेकिन बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूट्रिशन वहां तक जाता कैसे है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का काम हमारे ब्लड का होता है, ठीक है। या इवन सपोज करो बॉडी का हर एक सेल एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाता है, उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, उसको पर्टिकुलर सेल से एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाया जा सकता है, तो उसको ले जाने का भी काम कौन करता है, आपका हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक है हमारा एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीशन। तो ये जो हमने प्रोसेसेस देखा है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, असेंशियल लाइफ प्रोसेस है। अगर इनमें से कोई सा भी प्रोसेस अगर एब्सेंट हुआ ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो तुरंत क्या है, लिविंग से नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए लाइफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जो किसी लिविंग को लिविंग बना के रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। और एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखी है, द प्रोसेस विच आर असेंशियल फॉर लिविंग इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हर एक प्रोसेसेस को डिटेल में करेंगे। तो जो सबसे पहला हम जो प्रोसेस डिटेल करेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो यूजुअली आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशन का मतलब वही जो हम खाते हैं पीते हैं वही तो है न्यूट्रिशन। अगर आप हेल्दी खाएंगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, जंक खाओगे तो बॉडी जंग, ऑब्वियसली बात है जंक खाएंगे तो कैसा बन जाएगा, जंग लग जाएगा आपके बॉडी में। तो जंक फूड्स बेसिकली क्या करता है, बॉडी को अनहेल्दी यानी बॉडी को टॉक्सिफिकेशन टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। लेकिन वही अगर आप हेल्दी फूड खाते हो तो ऑब्वियसली बात है बॉडी आपकी हेल्दी रहती है। तो जनरली न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जनरली आप जो बाहर से जितने भी सब्सटेंस खाते हो उनको आप न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना हो तो उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी फूड का डाइजेशन होने के बाद उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। अगर आप हेल्दी फूड खाते हो, जैसे सपोज करो मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स खा रहा हूँ, तो उसका क्या है बॉडी यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर लेता है और उसको कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके उसकी सारी एनर्जी बॉडी को दे देता है। लेकिन वही मैं जंक फूड खाता हूँ, जैसे मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं पिज्जा खा रहा हूँ, तो वही सब क्या है जंक फूड है, बॉडी इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। और जब बॉडी इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब जब एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। जैसे आजकल देख रहे हो कि बहुत कॉमन बीमारी है ओबेसिटी, मोटापा। मुझे मत देखो मैं जिम जा रहा हूँ आजकल, मतलब कि हाँ मानता हूं मैं जंक फूड खाता हूँ लेकिन इतना नहीं खाता। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बेसिकली आप जितना भी बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, ये जंक फूड क्या करता है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब स्टोर होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे लिए बाद में प्रॉब्लम कॉज करेगा। आजकल आप देख रहे हो बहुत सीवियर हो गया हार्ट अटैक, किसी को भी ऑटोमेटिकली आ जाता है चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो चुका है आजकल। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बदल रही है, हम हेल्दी फूड की तरफ ना जाके हम कितना जंक फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो न्यूट्रिशन को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो इसी को मैं लिख रहा हूं यहां पे, द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या है, फूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसी को हम न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। जनरली क्या है, इस न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारी बॉडी को हमें एनर्जी मिल पाती है, हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर सपोज करो न्यूट्रिशन अगर हम नहीं लेते हैं तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और बॉडी को तरह तरह की कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने पड़ेंगे, ठीक है। इवन हमें हेल्दी फूड को प्रेफर करना चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेस्टेड फूड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने को ही हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने न्यूट्रिशन के दो टाइप दिखा रखे हैं आपको, एक दिखा रखा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक दिखा रखा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये आपको मेरे ख्याल से नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, इवन उससे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा, तो बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वही ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल फूड प्रिपेयर करते हैं, तो क्या आप लोग नहीं करते हो खुद प्रिपेयर, क्या आटा फाक के आ जाते हो या चावल फाक के आ जाते हो, आप भी तो फूड प्रिपेयर करते हो, तो क्या आप ऑटोट्रॉप्स नहीं कहलाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। क्योंकि आप भी तो मम्मी आपके लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करती है, बिल्कुल आटा गूंथती है, उसे चपातीस बनाती है, चावल को बेसिकली चावल से राइस को कन्वर्ट करके आपको देती है, सब्जी को वेजीज को अच्छे से फ्राइड करके देती है, तो वो भी तो खाना बना रही है आपके लिए, तो क्या उनको हम ऑटोट्रॉप्स नहीं कह सकते क्या, ये कमेंट मुझे जरूर करके बताएं। तो समझते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। जनरली आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे एनर्जी का सिर्फ एक ही अल्टीमेट सोर्स है, वो है क्या, सन। सन से ही हम लोगों को यानी जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनर्जी मिलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सन ही रिक्वायर्ड होता है और सन से ही एनर्जी अर्थ पे आती है। लेकिन हम लोग जादू तो है नहीं, कि जादू नहीं है कि जाके धूप में जाके कहेंगे धूप और उसे डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाएगी, और ना ही हमने अपने बॉडी पे क्या है सोलर पैनल लगा रखा है, तो हम क्या है सन से डायरेक्टली एनर्जी तो ले नहीं सकते। तो अब हमें क्या है एक ऐसे इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ी जो उस लाइट एनर्जी को हमारे लिए कन्वर्ट कर सके।
तो बेसिकली जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जनरली प्लांट्स और एल्गीज में आपको देखने को मिलता है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्लांट क्या करता है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, इनऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है, वो उसको कार्बोहाइड्रेट या स्पेसिफिकली बोलूं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अगर मुझे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर डिफाइन करना हो तो उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक CO2, H2O, लाइट एंड क्लोरोफिल आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, उनको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्लांट ऑलरेडी बना रखा है, तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसके अलावा आप एल्गीज ले सकते हैं, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा आजकल जहां पे पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, वहां पे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ स्लाइमी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कि अगर पैरों को तुरंत फिसल के आप गिर सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप, एल्गीज बोलते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे आप लोग शेर हैं इसलिए मैंने एक शेर को बना रखा है, कुछ जो बकरी हैं उनके लिए बकरा बना रखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या भी है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, उनको बोलेंगे हेटरोट्रॉप्स, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोल देंगे, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करूंगा, द ऑर्गेनिज्म which depends on other organism or plant for their food is called heterotrophs and their mode of nutrition is called heterotrophic nutrition। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल्स के अंदर ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूछेंगे क्या ह्यूमंस भी एनिमल है, तो बिल्कुल ह्यूमन एनिमल ही तो है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके। और ये अगर हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। अब हम स्पेसिफिकली अब डील करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके फूड प्रिपेयर करता है। तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू
प्लांट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके फूड प्रिपेयर करता है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में यूज पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जनरली जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि जो सन से, अभी मैंने आपको बताया कि सन क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और उसी से एनर्जी पूरे हमारे अर्थ के अंदर ट्रांसफर होने वाली है। क्योंकि आपने मतलब कि 9th क्लास में पढ़ रखा होगा एनर्जी कंजर्वेशन रूल। एनर्जी कंजर्वेशन रूल क्या कहता है, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। So, उसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लांट कन्वर्ट करता है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि जो एनिमल्स है वो डायरेक्टली लाइट एनर्जी से एनर्जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट जादू, ठीक है। हम जादू नहीं है कि धूप में जाके एनर्जी ले लें, या फिर सोलर पैनल नहीं बांध रखे हमने। तो हमें एक ऐसा इंटरमीडिएट चाहिए था जो लाइट एनर्जी को क्या कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। और ये काम हमारे लिए कौन करता है, प्लांट्स करता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर करता है क्या है प्लांट, तो उसको अगर मुझे डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूं यहां पे, द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2, वॉटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो बेसिकली प्लांट किस तरीके से लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको चेक करते हैं। जनरली प्लांट क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है, आपको पता है, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पहले लेता है। तो मान लेते हैं कि कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लेता है। साथ के साथ जो रूट्स के थ्रू क्या करता है, जमीन से वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये यहाँ पे 12 वाटर मॉलिक्यूल को लेता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो सनलाइट है, ठीक है, ये जो सनलाइट है इसको ट्रैप करने के लिए प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को पकड़ता है, इसको ट्रैप करता है, ठीक है। अब इसने इसको ट्रैप किया, अब यहां पर क्या होगा कि जब CO2 और वाटर आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये क्या बनता है, ग्लूकोज बनाता है, यानी ये केमिकल एनर्जी बना रहा है, ठीक है। साथ के साथ प्लांट क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट में इसने वाटर एब्जॉर्ब किया था उस वाटर को भी ट्रांसपिरेशन की मदद से बाहर निकाल देता है। तो ये जो आप प्रोसेस देख पा रहे हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि ये जो केमिकल एनर्जी हमने देखी यहाँ पे, जो लाइट एनर्जी थी, जो सनलाइट है, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल फोटोसिंथेसिस था। अब हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज जब तक हमें स्टेप्स नहीं पता होंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा। ये तो सिंपल इक्वेशन था कि लाइट एनर्जी को मैंने बोल दिया कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन आपके मन में डाउट आना चाहिए कि कर कैसे देता है, इस तरीके से कैसे कर सकता है कि लाइट को पकड़ के केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है। वो एक फिजिकल क्वांटिटी भी आपको नहीं दिख रही कि लाइट को आप पकड़ सके, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट है
प्लांट जो फॉर्म करता है, जो बनाता है, बनाता तो है ग्लूकोज, ठीक है, स्टोर किस फॉर्म में करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लांट किस फॉर्म में फूड को स्टोर करता है, तो स्टोर करता है वो स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टोर करता है वो किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में करता है, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा और स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में। तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करेंगे कैसे कन्वर्ट, यानी अगर मुझे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले लाइट को पकड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर जब तक प्लांट उसको पकड़ेगा नहीं तब तक उसको कन्वर्ट कैसे करेगा। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है, तो आपको पता जो प्लांट है, प्लांट के लीव्स के ऊपर आपके मीजोफिल सेल्स होते हैं और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को ट्रैप करता है, इसको ट्रैप करने का मतलब उसको पकड़ता है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो फर्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या करेगा, लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लाइट उसने पकड़ लिया, अब लाइट को पकड़ के क्या करना है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड जो स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एनर्जी यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ के साथ एक प्रोसेस और चल रहा होता है, एंड स्प्लिटिंग, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2 गैस। अब यहां पर ध्यान दो, आपने पढ़ा है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन क्या उसके घर में फैक्ट्री लगी हुई है प्लांट के पास क्या, कि ऑक्सीजन वहां से फैक्ट्री से निकाल के आपको दे रहा है, तो ऐसा नहीं होता। प्लांट बेसिकली क्या करता है, जो जमीन से वो पानी एब्जॉर्ब करता है, तो जब फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में जब वो पानी का यूटिलाइजेशन कर रहा होता है तो वो वाटर को तोड़ता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो जब वाटर टूटता है तो आपको पता है वाटर दो गैसेस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों गैसेस यूज हो जाती है, यहाँ पे दोनों गैसेस लिबरेट होती है, तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या करता है, इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में वापस मतलब कि कर देता है, वापस कर देता है एटमॉस्फेयर को, यानी जैसे ही वाटर टूटेगा तो दो गैसेस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन है वो प्लांट बाहर निकाल देता है और उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन बचता है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप में यूज कर लिया जाता है, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज। अब आप पूछ रहे हो कि ये रिडक्शन क्या होता है, जनरली रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो ऊपर वाले स्टेप में आपको ये हाइड्रोजन बच रहा था, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप में यूज हो जाएगा, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसको मिलेगा कहां से, जब उसने अभी वाटर से स्प्लिटिंग की थी, वाटर से तोड़ा था, तो वाटर से जो हाइड्रोजन मिला था इस हाइड्रोजन का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के एडिशन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टेप्स हो गए इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस है इन तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब करना, उसको ट्रैप करना, और ट्रैप कौन करेगा, क्लोरोफिल करता है। उसके बाद क्या है, लाइट जो ट्रैप किया गया उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और साथ के साथ क्या करता है, जो वाटर था उस वाटर की स्प्लिटिंग कर देता है, उसको तोड़ देता है, किसमें तोड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है और उस ऑक्सीजन को हम लेते हैं। जो ये हाइड्रोजन बचता है उसको नेक्स्ट स्टेप में यूटिलाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
वो सिंपल रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका होता है? CO2 का होता है। और CO2 का जब रिडक्शन हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्लूकोज वही है जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब कोई चीज डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। अब जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्यों होगा? क्योंकि उसी के अंदर क्लोरोफिल है, क्योंकि लाइट को हमें ट्रैप करना है। लाइट को ट्रैप करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो फोटोसिंथेसिस भी कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लीफ का एक यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख रहे हैं कि लीफ के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो जो लीफ का जो सबसे अपर पार्ट होता है, अगर आपने लीफ को कभी गौर से देखा होगा, जो अपर सरफेस होता है वो काफी शाइनी होता है, बट नीचे वाला सरफेस क्या होता है? डल होता है। डल होने का रीजन ये होता है कि अपर सरफेस पे एक वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है। वो वैक्स लेयर क्या करती है? लीफ को पानी से, हवा से, धूल से, इससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, साथ के साथ उसका सरफेस कैसा बना देता है? शाइनी बना देता है। तो जो पहला जो अपर सरफेस आप देख रहे हो ये कैसी है? ये वैक्सी क्यूटिकल है, वैक्सी क्यूटिकल लेयर है। ये क्या करेगा? प्लांट की लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर देख रहे हैं थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की, ये आपकी क्या है? इस लेयर को बोलते हैं आप एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस है। उसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है, जो लंबी लंबी लेयर आप देख रहे हैं, इस लेयर को आप क्या बोलते हैं? ये है पैलिसेड या मीजोफिल सेल्स। इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फोटोसिंथेसिस में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, बीच में ये जो खाली खाली स्पेसेस आप देख रहे हैं इसको आप बोलते हैं एयर स्पेसेस। इसको क्या बोलेंगे? एयर स्पेसेस। जस्ट नीचे यहाँ पे जो वेन्स दिख रहे हैं इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये खाली ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बच्चों, इसके जस्ट नीचे आप देख रहे हो छोटी छोटी ओपनिंग्स है। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होगा? ये वही स्पेसेस है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, या वाटर बाहर निकलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ चल रहा होता है। उसके बाद अब जो लास्ट आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्योंकि आप जानते हैं प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टोमेटा, क्योंकि जो गैसेस एक्सचेंज हो गया, वाटर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन या सिंपल बोले ट्रांसपिरेशन जो होता है इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू होता है। इन पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये किस किस चीज में हेल्प करता है? गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करेगा। स्टोमेटा का काम क्या है? गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करना। साथ के साथ स्टोमेटा का काम होता है दूसरा काम क्या होगा? ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी किस तरीके से हेल्प करता है? तो आप ये देख रहे हो, ये जो आप इधर इस तरीके किडनी शेप देख रहे हो इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये क्या है आपके यहाँ पे? गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होगा, इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। इसको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करता है, यानी वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, तो इससे क्या होगा? गार्ड सेल फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल ओपन मतलब कि टर्जिड होंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका जो स्टोमेटा होता है वो ओपन होता है, यानी जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर वाटर अंदर जाएंगे वो पूरा का पूरा सेल टर्जिड हो जाएगा। टर्जिड होने से स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही पानी बाहर निकल जाता है, जैसे ही वाटर बाहर निकलता है, तो पूरा का पूरा जो सेल है वो फ्लैशिड हो जाएगा। फ्लैशिड होने से क्या है कि पूरा का पूरा यहां से पानी निकल जाएगा, तो ये जो स्टोमेटा ओपनिंग थी ये सारी की सारी क्लोज हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। होप यहां तक वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।